दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को इस न्यू वीडियो में यहाँ करंट सिचुएशन के बारे में थोड़ी पता चल जाएगी। इस वीडियो में चलिए मैं आप सभी को लेकर चलूंगा बीच की ओर, साथ साथ मेरे साथ चलते रहिए। और यहाँ बीच के सामने पहुँचते ही कुछ इस प्रकार से नजारा देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं यहाँ कलंगुट बीच का मानसून प्रकार, यहाँ पर टूरिस्ट अभी भी बहुत ही क्राउड देखने को मिल रहा है और यहाँ का मानसून तो बहुत ही अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है और यहाँ का सेक बहुत सारे सेक वगैरह बंद हो चुके हैं और वो सब दिखाऊंगा। और यहाँ कुछ कुछ ओपन है और ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ का टूरिस्ट प्लेस कितनी है अभी करंट सिचुएशन में। तो टोटली बंद हो चुका है देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल एक एक सेट का एक ही सेट बचा हुआ है, बाकी देखने को मिल रहा है उस तरफ का सेक जो है अभी ओपन देखने को मिल रहा है। उस तरफ भी जाकर दिखाऊंगा और इस वीडियो में बना रही है। वहां से ना उस जगह से यहाँ तक मतलब टोटली यहाँ तक सेक लगे हुए थे जो की यहाँ तक टोटली बंद हो चुका है और इससे ये यहाँ पर बचा हुआ है और इससे आगे का सेट भी टोटली बंद हो चुका है। इस कलंगुट बीच का सेट का बता रहा हूँ और इससे यहाँ पर और इस तरफ का टूरिस्ट सरकार है। यहाँ कलंगुट बीच में काफी अभी भी टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा ही है, लेकिन अभी मानसून खराब है, बारिश खराब हो चुका है, फिर भी यहाँ का टूरिस्ट देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ का क्राउड देखने को मिल रहा है। और यहाँ गेट से जैसे इस लेफ्ट साइड जहाँ आएंगे तो इस सेट देखने को मिल रहा है, कुर्सी टेनिस टेबल वगैरह इस टाइप लगा हुआ है और काफी आगे तक भी टूरिस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर बारिश सीजन में ना यहाँ पर शाम के टाइम यहाँ पर बीच के समुद्र में जाने से मना करेंगे, क्योंकि यहाँ का समुद्र है ना बारिश के कारण बहुत लहरें जो होती है वो बहुत हाई हो जाती है, इसलिए यहाँ पर लाइफ गार्ड से मना करता है। और आपको भी अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लहरें बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं और पानी अंदर खींच के भी ले जा सकता है, इसलिए यहाँ पर कई कई बार यहाँ पर घटनाएं भी घट चुकी है, तो इसलिए उन्होंने भी मना करते हैं। तो यहाँ का कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ये है।